strong. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है कंटिन्यू है, जो चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि हमें जो हमारा जो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो हम नहीं फाइंड कर पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। यूट्यूब पर जाने के बाद अगर यहाँ पर आप लिख दें, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिज़ाइन विद अली लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइन बाय यहाँ पर ये हमारा चैनल आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, देन आप यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास ये वाली हमारी प्लेलिस्ट जो है ये आ जाएगी। इसको आप सेव भी कर लीजिए और यहाँ से बुक मार्क करके इसको अपने पास रख भी लीजिए, ताकि आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट के अंदर आएँ तो आपको सारी वीडियोज सीक्वेंस के साथ मिलती रहें। अदरवाइज़ आप इसको हमारी वीडियोस को यूट्यूब की जो वीडियो सेक्शन है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट को कैसे एक्सेस करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो है पाथ फाइंडर के बारे में और शेप बिल्डर टूल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा ये पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल के अकॉर्डिंग हमारी ये वीडियो होगी, तो मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एन करके फाइल न्यू, अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। हमारी फाइल अभी ओपन हो जाएगी, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इसका मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ JBULID बिल्डर। तो हमारा ये फाइल का नाम हमने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से A4 साइज लेंगे, ब्लीडिंग हमें नहीं चाहिए, हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास जो इस बार अभी सेटिंग हुई है डिफ़ॉल्ट है, सबके पास होती है, तो मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ से अपना पहले स्ट्रोक बंद करके अपना फिल जो है वो ऑन कर लेता हूँ। अब हमारे पास फिल आ चुका है और मैं यहाँ से कलर्स का भी ले लेता हूँ पैनल, क्योंकि कलर्स वगैरह भी डिफरेंट मुझे चाहिए होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के स्वेचेस अगर हम लें अपनी, ये हमारे स्वेचेस हैं। स्वेचेस लाने के बाद यहाँ पर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ये वहाँ पर दो पैनल आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाथफाइंडर और शेप बिल्डर के बारे में। अब हमारे पास यहाँ पर विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ से यहाँ लिखा हुआ रहा है शिफ्ट कंट्रोल F9, शिफ्ट कंट्रोल F9, मैं आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया पाथ फाइंडर, ये हमारे पास आ गया अलाइनमेंट। ये पाथ फाइंडर हमारा ये रहा और अलाइनमेंट हमारी ये रही। अलाइनमेंट पैनल हम लोगों ने पढ़ लिया पिछली वीडियोस के अंदर, तो आप वो देखेंगे तो आपको अलाइनमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पाथ फाइंडर के बारे में। अब हमारे पास जैसे कि पाथ फाइंडर होता है, अगर मैं यहाँ से इसको जाके दोबारा एक्सेस कर लूँ तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रहा हमारा पाथ फाइंडर जैसा कि नज़र आ रहा, और ये मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब हमारे पास पाथ फाइंडर हमारा ये रहा, मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं स्वेचेस में जाके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये दो शेप्स हैं मेरे पास, सही है, ये दो शेप्स हैं। अब मैं क्या कर, मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली जो शेप्स हैं, एक पाथ मेरा ये वाला है जो ब्लैक है और एक पाथ मेरा ये ग्रे वाला है, इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, सही। अब ये मेरे पास दो शेप्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही पाथ में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये पूरा एक पाथ बन जाए, ये दो पाथ ना रहे, दो सर्कल ना रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पाथ फाइंडर में आऊँगा। पहले पाथ फाइंडर समझा देता हूँ आपको। पाथ फाइंडर में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पहला ऑप्शन यूनाइट, ये इसके ऊपर अगर मैं होवर करूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि यूनाइट ऑप्शन। अगर मैं यूनाइट करता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये जो दो शेप्स थे ये एक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं करके दिखाऊं, ये कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं इस वाले को ब्रिंग टू, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूं यहाँ पर, तो अगर अब मैं इन दोनों को करता हूँ तो आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा कि वो क्या रहा है। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पे था उसने उसको उसी कलर का एक पाथ पूरा क्रिएट कर दिया दूसरी शेप को यूज करते हुए।
ऐसे हम दो शेप्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, दो को नहीं आप ज़्यादा को भी करवा सकते हैं। अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, अगर इसकी कॉपी लेके मैं यहाँ पे रख लूँ और इसकी कॉपी लेके मैं यहाँ पे रख लूँ और इनको मैं यहाँ पे रख के अगर मैं यूनाइट करता हूँ तो ये मेरे पास एक एक क्लाउड का जो है शेप बनकर आ चुका है मेरे पास। अगर आप इसमें बाकी भी शेड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये एक पाथ कन्वर्ट होके आ चुका है, ये हमारा एक पाथ जो है कन्वर्ट होके आ चुका है। इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैं यहाँ से कुछ चीज़ें साइड पर कर देता हूँ। अब आप लोगों को समझ आ गया कि हमारा जो यूनाइट का ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। उसके अलावा यही काम अगर आपने करना हो तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल के साथ, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अभी ये भी आपको लग रहा है कि ये एक ही पाथ है, बहरहाल ये जो हमारे हैं डिफरेंट सर्कल्स, ताकि मैं इनके वो कलर कर देता हूँ ताकि आपको इनके कलर जो हैं वो शो हो जाएं। अब वो लाइट हो गया हमारा थोड़ा सा, हम डार्क कर देते। अब टोटली हमारे सारे जो सर्कल हैं वो डिफरेंट है, इसको मैं डार्क कलर कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद डार्क ब्लू कर देते हैं हम अगर इसका। अब हमारे पास ये है, अगर हमें इनको ज्वाइन करवाना तो हम सिंपल यूनाइट कर देंगे तो हमारा ये सब ज्वाइन हो जाएगा। अगर यही काम मैं शेप बिल्डर से करूँ, अब शेप बिल्डर टूल हमारा क्या करता है, पाथ फाइंडर क्या करता है, दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन पाथ फाइंडर के अंदर थोड़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होती हैं हमारे पास, इस वजह से हम कभी कभी पाथ फाइंडर भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको प्रेफर समझ आ जाएगी कि क्या आपको ज़्यादा समझ के आ रहा है और ज़्यादा आप किसके ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम। अगर मैं शिफ्ट एम प्रेस करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा शेप बिल्डर टूल एक्टिव हो गया, मतलब अब सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर एरो है, एरो के साथ एक प्लस का आइकन भी आ रहा है, प्लस का साइन भी आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करूँ, एक काम तो ये हो गया, अगर मैं इसको यहाँ से यूँ ड्रैग करूँ और यहाँ से यूँ ड्रैग करूँ, इसने क्या किया हमारे पास कि इसने यहाँ पर सारी शेप को ज्वाइन कर दिया। अब इसने कैसे किया, अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, शेप बिल्डर पे एक ये सेक्शन है, एक सेक्शन इसने जितने भी थे ना, जितने भी हमारे पाथ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो उसने उनको पाथ में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग उनको शेप में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ से करना शुरू करूँ तो ये देखिए मेरे पास ये वही काम कर रहा है जो मेरा शेप बिल्डर टूल कर रहा था, जो मेरा पाथ फाइंडर कर रहा था। अगर मैं यहाँ से यूनाइट करता हूँ तो ये मेरा कर रहा है, मगर वो रेड कर रहा है, क्यों, क्योंकि शेप्स का जो मैंने आपको भी बताया जो शेप ऊपर होता है वो उसको कंसीडर कर लेता है। अगर ये वाला हमारा सबसे इस वक्त टॉप शेप है तो इस वजह से ये वाला जो पाथ फाइंडर है हमारा ये इसको कंसीडर कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा यूनाइट हमारा क्या काम करता है। उसके बाद मैं दोबारा से एक शेप ड्रॉ करता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद इसका मैं कलर थोड़ा सा है वो जो डार्क कर देता हूँ ताकि डिफरेंस हमें समझ आए कि यहाँ पर काम हो क्या रहा है। अब ये मेरे पास दो शेप्स हैं और यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है ये लिखा हुआ आ रहा है माइनस फ्रंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, माइनस फ्रंट कर दिया। माइनस फ्रंट इसने कैसे किया कि ये देखिए कि हमारे पास ये दो पाथ है। अगर मैं यहाँ पर माइनस फ्रंट कर रहा हूँ तो माइनस फ्रंट करने के बाद यहाँ पर उसने जो हमारा ये वाला जो हमारा सर्कल था, इसका जो एरिया इस सर्कल के ओवरलैप हो रहा था तो उसने वो डिलीट कर दिया, सेम एज इट इज ये कर दिया। अब ये हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये हमारा जो ग्रे वाला है वो क्यों नहीं, ये डिलीट हो, ग्रे वाला हमारा डिलीट क्यों नहीं हो रहा, हमारा ब्लू ही डिलीट क्यों हो रहा। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करके अगर मैं अब यूं करूं तो ये देखिए कि हमारा ग्रे वाला रिमूव हो गया, क्योंकि इसका नाम क्या है, माइनस फ्रंट। अगर यही काम आप चाह रहे हैं मैं शेप बिल्डर से करूं, तो आपने इनको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर पे गए, आप ऑल्ट करेंगे ना, माइनस कर देंगे, ऑल्ट करके ये प्रेस करेंगे और ऑल्ट करके ये प्रेस करेंगे तो आपके पास ये भी सिंपल बन जाएगा। ये कैसे किया मैं दोबारा बता देता हूँ। शेप बिल्डर के ऊपर गए, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट यहाँ पर ऑल्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, ये ऑल्ट प्रेस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अभी हमारा प्लस है तो हमें माइनस करना है। मैं इनको शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, शिफ्ट टाइम दबा के या मैनुअली आप कर लें, माइनस करेंगे तो ये भी डिलीट। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ माइनस करके, मैं यहाँ से ये भी डिलीट कर सकता हूँ। दो काम हो गए, दो काम हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, सही।
अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है इंटरसेक्ट। हमारे पास अब ये जो इंटरसेक्ट है, ये हमारे पास क्या करता है इंटरसेक्ट कि बेसिकली हमारा, अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसने क्या किया, इसने हमारे जो दो हमारी शेप्स थी उनका जो एवरेज एरिया ओवरलैप कर रहा था, दोनों शेप्स का ओवरलैप कर रहा था ना एरिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि ब्लू जो है वो इसके ऊपर है और ये बीच में एक हमारे पास लाइन बन रही है, ये वाली लाइन। अगर मैं आपको, अगर मैं सर्कल से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ स्ट्रोक, अगर मैं रेड कर दूँ इसका, यहाँ पर ये वाली जो हमारी है ना, अगर मैं यहाँ पर लाइन ये देखिए, ये वाला जो हमारा एरिया है ना, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमें ला कर दे रहा है, ये इसने हमें दे दिया। सिंपल, अगर मैं यही काम शेप बिल्डर से करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर में जाऊँगा, मैं क्या करूँगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों उसने भी हमें यही काम करके दे दिया जो काम हमें इंटरसेक्ट कर दे रहा था। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन एक्सक्लूड का। अब ये हमारे पास क्या करेगा, अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने जो हमारा दोनों का एवरेज एरिया था, जो दोनों शेप थी उनका एवरेज एरिया इसने डिलीट कर दिया। हमें यहाँ पर ये जो हमारा इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन था इसके अंदर ये हमें क्या करके दे रहा था, ये हमें जो उनका एवरेज एरिया था वो निकाल कर दे रहा था और इसने यहाँ पर उन दोनों का एवरेज एरिया डिलीट कर दिया। सही है, अब हमारे पास यहाँ पर अगर यही काम मैं शेप बिल्डर से करना चाहूँ, मैं शेप बिल्डर पे जाऊँगा माइनस करके, ये क्लिक किया मैंने सिर्फ ऑल्ट दबा के, तो उसने भी यही काम कर दिया हमारा। सिंपल, अभी हम लोगों ने ये जो चार ऑप्शन हैं, यूनाइट, हमारे पास माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट और ये एक्सक्लूड, अब ये चारों ऑप्शन हमने यहाँ से भी देख लिए और यही चारों ऑप्शन हमने पाथ फाइंडर के साथ भी करके देख लिया कि दोनों में क्या प्रेफर है, आपके ऊपर है, आप जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको दो चीजों से एक ही काम करके दिखा रहा हूं। तो अब हमारे पास यहां पर अगर मैं नीचे आऊं पाथ फाइंडर्स के ऊपर, तो यहां पर एक ये ऑप्शन आ रहा है डिवाइड, अब ये डिफरेंट हो जाएगा। ये डिवाइड पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको लगता है कि कुछ हुआ शेप के साथ, शेप्स तो हमारे पास दोनों हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मैं राइट क्लिक करूं और मैं यहां से अगर अनग्रुप करता हूं, अनग्रुप करने के बाद यहां पर इसने क्या किया, अनग्रुप करने के बाद इसने ये हमें तीनों पार्ट लाकर दे दिए। अनग्रुप करने के बाद इसने हमें ये पार्ट अलग कर दिया, सारा इसने जितने पार्ट थे उनको डिवाइड कर दिया, उसने जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा था उसने वहाँ से उनको डिवाइड करके हमारी शेप्स को, अगर हमारी शेप्स को कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ले आऊँ, रेड कर दिया इसका मैंने, सियान कर दिया, ये हमारे पास कलर है। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये क्या किया है इसने, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करूँ तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने तो सिंपल सर्कल्स बनाए थे, जितने भी पार्ट हैं मेरे पास ये डिवाइड हो चुके हैं, ये मेरे पास जितने भी पार्ट थे सारे डिवाइड हो चुके, उसने डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर एलिप्स बना लेता हूँ, तो एक कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है, ये हमारे पास आता है ट्रिम का। ट्रिम हमारे पास क्या करता है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मतलब सिलेक्ट करता हूँ दोनों शेप्स को और यहाँ से मैं ट्रिम करता हूँ, तो यहाँ पर आपको फील हुआ होगा कि कुछ हुआ। अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, इसने क्या किया हमारे साथ, हमारी एक शेप जो थी वो वैसे की वैसी रही। डिवाइड ने हमारे साथ क्या किया था, डिवाइड ने हमारे जितने जो पार्ट्स थे उनको सबको डिवाइड कर दिया, लेकिन ट्रिम ने ऐसा नहीं किया। ट्रिम ने क्या किया कि हमारे पास उसने क्या ऐसा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इसने किया क्या। अभी हम पीछे पढ़ कर भी आए ये क्यों होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पीछे पढ़ लिए कि हम अगर माइनस फ्रंट करते हैं तो वो हमारा आगे से माइनस सारा कर देता है। अब ट्रिम हमारा क्या कर रहा है, ट्रिम हमारा जो हमारा शेप जो दूसरे शेप के ऊपर ओवरलैप है वो उसको नीचे वाले हिस्से को, ये हमारा फ्रंट से कर रहा था। अगर मैं इसको यहाँ पर इसके यहाँ पर ले आऊँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, नहीं इसको मैं छोटा कर दूँ, अगर मैं अभी करता हूँ ट्रिम, इसने क्या किया, इसके एवरेज में आ रहा था उसने उसको गायब कर दिया। अब मैं अगर ये दोनों शेप्स को वापसी कंट्रोल जेड कर ले आऊँ
और मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और एलिप्स बना लेता हूँ, और एलिप्स एक हमारा यहाँ पर आ गया, जिसका मैं कलर थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अच्छा जी, ट्रिम के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है मर्ज का। मर्ज का ऑप्शन हमारे पास क्या करता है, अगर मैं इसको करूँ, मैंने शेप सेलेक्ट किए हुए थे और अब मैंने इनको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद अगर मैं इनको अनग्रुप करता हूँ तो इसने भी वही काम किया जो हमारा ट्रिम कर रहा था। अगर मैं इन दोनों को दोबारा मर्ज करता हूँ तो इन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ पर जो यूनाइट से काम कर रहा था वो हमारा मर्ज भी कर रहा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसके मैं कॉपी ले लूं, कॉपी लेने के बाद इन दोनों को मैं जाकर मर्ज करूं तो इसने भी वही काम किया जो हमारा मर्ज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कलर डिफरेंट होने की वजह से ये देखिए हमारा ये दोनों वही काम कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर आ गया। कलर डिफरेंस की वजह से वो हमारा ड्रीम वाला काम कर रहा था। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एलिप्स बना लेते हैं हम दो। ये हमारे पास एलिप्स हैं, इस एलिप्स का मैं अपने पास जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का, अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो इसने हमें क्या काम करके दिया, इसने हमें वो काम करके दिया जो हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट हमें कर दे रहा था। कैसे, मैं अगर इसकी कॉपी लूँ, एक पे मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, एक पे मैं क्रॉप कर रहा हूँ, इसने क्या किया, दोनों ने चीज़ हमें एक ही दी, लेकिन यहाँ पर ये एक ओवर ये हमारे पास सर्कल आ रहा है। अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल आ रहा है, और ये पता नहीं क्यों आ रहा है, आज तक मुझे तो नहीं पता लगा। अच्छा जी, हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। अब मैं एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल। अब ये हमारे पास, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट आउटलाइन। आउटलाइन से सिंपल हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास सिंपल जो शेप्स हमारी मौजूद है हमारे पास, उनको ये आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास इसने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया सिंपल। उसके बाद यहाँ हमारा एक और ऑप्शन आ रहा है माइनस बैक। अभी हमने देखा था यहाँ पर माइनस फ्रंट, ये हमारा माइनस बैक। अगर अभी मैं इसको माइनस बैक करूँ तो क्या होगा, हमारा जो नीचे वाला है जो हमारा ब्लैक वाला है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, हो गया हमारा नीचे ब्लैक वाला। अगर मैं इसको माइनस फ्रंट करता हूँ, माइनस फ्रंट करने के बाद क्या होगा, हमारा ग्रे वाला वो डिलीट हो जाएगा सिंपल। अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगर हम यहाँ से कुछ अपना चांद वगैरह बनाने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें अगर हम इससे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ माइनस फ्रंट तो ये हमारे पास ईद का चांद बन चुका है, यहाँ पर ये हमारा ईद का चांद बन चुका है। ये हम एलिमेंट जितने भी हैं वो बना बना कर यहाँ पर रखते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जितने भी ऑप्शंस थे वो समझ आ चुके हैं। अब इसके अंदर एक और कहानी ये है कि अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है ब्लैक, सही। अगर मैं इस वाले सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दूँ साइज में, और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, और इसको मैं यहाँ पर अगर ले आऊँ, अभी हमारे पास ये है, अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ सिंपल ये हमारे पास मर्ज हो जाएगा, एक पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी मर्ज के ऊपर ऑल्ट प्रेस करता हूँ, लिखा हुआ भी आ रहा है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है। अगर मैं अभी क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ये आपको लग रहा है कि ये एक ही शेप है, ये एक ही आपको लग रहा है कि ये एक ही शेप है, एक ही पाथ है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस सर्कल को मूव कराऊँ, ये हमारे पास डिफरेंट शेप है। अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊं तो अब आपको लग रहा है एक ही शेप है ये हमारा, लेकिन ये हमारा एक शेप नहीं है, ये हमारा डिफरेंट शेप है। ये देखिए, ये हमारे पास आपको लग रहा है एक ही शेप है, लेकिन मैं इसको मूव भी करवा सकता हूं। इसके अंदर मैं मूव नहीं करवा सकता क्योंकि ये हमारा एक पाथ में कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी भी सब ऐसे ही काम करते हैं अगर आप ऑल्ट प्रेस करें उसके साथ। तो अब ये हमारे पास एक ये सर्कल है, और सर्कल के बाद हमारे पास एक और सर्कल है, सर्कल के बाद हमारे पास एक और सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। अगर मुझे ये बीच का एरिया चाहिए है, अगर ये वाला मुझे एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँ, मैं अगर सिंपल यूँ माइनस कर दूँ इधर से, सॉरी अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ ये भी माइनस कर दूँ, अब मैंने
ये भी एरिया मेरे पास आ गया। अगर अभी हम उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हम यूज क्यों करते हैं। ये आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स शेप्स जो हैं वो ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत से इसके और यूजेस भी हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अपना एम दबा के अपनी एक शेप ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं एलिप्स, दो एलिप्स ले लेते हैं हम, इस एलिप्स को और इसको हम कर देते हैं अलाइन। ये हमारा हो चुका है अलाइन, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये हमारे पास दो एलिप्स, मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको एक पाथ में कन्वर्ट करना है, तो मैं कर दूंगा सिंपल, मैंने इनको एक पाथ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं अगर आगे पॉलीगॉन लूँ, पॉलीगॉन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस पॉलीगॉन के अगर मैं शेप्स को तीन में कर देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं रख दूँ इसको, अगर हम यहाँ पर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। मैं आपको बस एक रैंडम सी एक चीज़ बना के दिखाना चाह रहा हूँ। माइनस फ्रंट से क्या हुआ कि हमारे पास ये एक वो हमारे पास एक रेंच पाना बन के आ गया, मतलब जो एक इक्विपमेंट होता है बाइक वगैरह नट बोल्ट ऐड करने के लिए, एक वो बनकर आ गया। बेशक उतना क्लियर नहीं बना, लेकिन आपको एक चीज़ माइनस फ्रंट करने से हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक कैसा बेसिक सा शेप बनकर आ चुका है। उसके बाद अगर हम कुछ और बनाना चाहें तो इससे हम वो भी बना सकते हैं। हमारे पास याद होगा आपको कि एक गेम होता था जिसमें एक सर्कल होता था हमारे पास, एक हमारे पास सिंपल सी एक बॉडी होती थी सर्कल की। मगर मैं यहाँ से एलिप्स लूँ जाकर और इसकी मैं जो साइड्स हैं वो पांच ही रहने दूँ, और इसको मैं अगर इस बॉडी के अंदर रखता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि एक शेप ड्रॉ हो जाएगा। वो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम जो कार्टून होता है हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास एक गेम होता है जो हम तकरीबन सब ने ही खेला हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास ऐसा भी आइकन होता है सर्कल का जो हमारे पास आगे बॉल्स को खाता 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 लेवल अप होता जाता है। उम्मीद है कि आपको ये भी बनाना आ गया होगा कि हम इससे सिर्फ हम लोग दो ही टूल यूज़ कर रहे हैं और हम इसके अंदर कोई पेन टूल को भी नहीं यूज़ कर रहे, हम सिंपल शेप्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक क्लाउड बना ली, हमने ये वाली शेप बना ली, उसके बाद हमने ये भी बना लिया। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बनाना चाहूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ एक हमने ये, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ अभी मेरे जहन में आई। अगर मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से इतने इतने राउंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपर एरो जो है वो प्रेस अपर एरो प्रेस करूँगा, उससे क्या होगा कि मेरा पूरा राउंड हो जाएगा। अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, डाउन एरो से देखिए कि हमारे पास की जो राउंडनेस है वो हमारे पास कॉर्नर में कन्वर्ट हो रही है। जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह के आइकन बनाते हैं तो वो सिंपल ऐसे ही तो बनते हैं, आप राउंडेड ले लें और उसका आप यहाँ से राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया एक, ये ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अपना सिंपल सा एक गेट जो हमारे पास होता है, हम अगर यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल दोबारा ले लें, राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी में राउंडनेस जो है हम कम कर लेते हैं। राउंडनेस कम करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर रखना चाहूँ तो यहाँ पर रख दिया मैंने इसको। अब मैं इसको दो तरीकों से मैं बीच में से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, मैं माइनस फ्रंट कर दूँ तो अब भी ये हो जाएगा, अगर मैं शेप बिल्डर से सिलेक्ट करके इसको ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूँ तब भी ये मेरे पास ऐसा होल हो जाएगा, ऐसा ये हमारे पास हो जाएगा एक शेप, ये भी बन सकता है हमारे पास। ये होता है हमारे पास कार्ड वगैरह जो होते हैं मेरे शायद उनके लिए यूज़ होता है, मुझे याद नहीं है किस लिए यूज़ होता है, बहरहाल ये है कोई, ये भी मान लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँ और सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँ एलिप्स, बना दिया मैंने, उसके बाद एक शेप मेरे पास ये है, इसका एक शेप मेरे पास ये है, दो शेप है मेरे पास। अब मुझे ये डिलीट करने, दोनों माइनस फ्रंट कर सकता हूँ, ऑल हो जाएंगे। शेप बिल्डर के साथ जाके मैं इनको सिंपल ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ सिंपल। आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों से क्या यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या इस्तेमाल करके आप चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं और चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट शेप्स आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक अपना स्क्वायर ले लूँ,
स्क्वायर लेने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी करके इसकी मैं कॉपी ले लूं, कॉपी यहां पर ले लेते हैं, ऑल्ट के साथ प्रेस कर रहा हूं। यहां पर अगर माइनस फ्रंट करता हूं उसके बाद यहां पर मैं दो होर ले लेता हूं छोटा सा, हमारे पास एक ये ऐसा कुछ बनकर आएगा। अगर मैं यहां पर शिफ्ट के साथ बनाऊं, एक ये हमारी एक इसकी कॉपी लेके मैंने यहां पर कर दिया माइनस फ्रंट सिंपल, ये हमारे पास एक हाउस का लुक दे रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और अगर मैं यहां पर एक ऐसा रेक्टेंगल बनाऊं और इसके ऊपर मैं एक सर्कल बना दूं, सर्कल बनाने के बाद इसको मैं दोनों को अगर मैं अलाइन सेंटर कर देता हूं दोनों को मैं आपस में, और मैं अगर कर दूं माइनस फ्रंट, अब इसके साथ हमारे साथ क्या होगा, माइनस फ्रंट से हमारा माइनस हो जाएगा। अगर मैं मर्ज करता हूं तो मर्ज से देखिए कि क्या एक ब्यूटीफुल सी शेप बन के आएगी। मर्ज से हमारे पास जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका मज़ार का भी लुक आ रहा है और मस्जिद का लुक भी आ रहा है हमारे पास। ये सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट शेप हम लोगों ने सिर्फ दो जो शेप है हमारे बेसिक उनको यूज़ करते हुए हमने ये भी बना लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि हम पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल क्यों यूज़ करते हैं। शेप बिल्डर टूल आप साथ बहुत सी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए भी आप ड्रॉ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल वी कॉपी 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 कंट्रोल डी भी कर सकते हैं सिंपल। अब ये है मेरे पास कितने सर्कल आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मैं यूनाइट करता हूँ तो ये देखिए कि मेरे पास क्या बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पर एलिप्स बनाता हूँ और इसका मैं जो सर्कल का कलर है वो वाइट करके यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक कुछ फील हो रहा होगा आप लोगों को ये क्या बन गया। कंट्रोल कर देता हूँ इसको मैं, अगर मैं सारों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट टू करके इनको सारों को मैंने अनलॉक कर दिया और दोबारा मैं लॉक कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा कि क्या आप यहाँ पर क्या क्या शेप बिल्डर और पाथ टूल पाथ फाइंडर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर रेंडम जाएं और यहाँ पर हम राउंडेड रेड एंगल ले लें, राउंडेड रेड एंगल लेने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, एक हमारे पास ये बन चुका है। उसके बाद अगर मैं इसकी कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ और उसका मैं कर दूं कलर ब्लैक, उसको मैं इनसाइड पर लेके जाऊं, इसकी मैं दोबारा कॉपी ले लूं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके इसको भी मैं इनसाइड लेकर जाऊं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला, एक ये वाला हमें चाहिए जो इसका एरिया है, और एक ये अंदर से ब्लैक वाला चाहिए और ये अंदर वाला ब्लैक नहीं चाहिए। अगर मैं शेप बिल्डर करूँ, अगर मैं इसको क्लिक करके ऑल्ट के साथ माइनस कर दूं तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके अगर मैं इसकी कॉपी करूं तो ये देखिए कि आपको थोड़ा थोड़ा तो इंस्टाग्राम के आइकन की तरह लग रहा होगा। बहरहाल कलर चेंज है, कलर उसमें ग्रेडियंट यूज़ हुआ होता है और यहाँ पर हम लोगों ने टू बेसिक कलर यूज़ किए। उम्मीद है कि आपको पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल का समझ आया होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ, बेसिक से जितने भी शेप आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।